दोस्तों, अनमोल जीवन बीमारी से जल्दी बचाओ, नहीं तो बीमारी होगी तो सब पैसा लग जाएगा, तो आप हाथ मलते रह जाओगे। इसीलिए चलिए इस कमाल के वीडियो को हम अभी शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, दांत बुढ़ापे तो क्यों नहीं रहता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है गर्म खाना खाकर तुरंत ठंडा पानी पीने से दांत जल्दी टूट जाता है, बुढ़ापे तक बिल्कुल नहीं बरकरार रहता है, इसीलिए ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर दो, सिंगर लोगों को जिन लोगों को गाना गाना है उनको गाना गाने से पहले क्या खाना चाहिए मधुर आवाज के लिए? दोस्तों, इसका सही आंसर है सिंगर लोगों को कभी भी गाना गाने से पहले एक गिलास पानी में 2-3 चम्मच चीनी डाल दें और घोल बना करके शरबत पी लें, उसके बाद में गाना गाएं, गला खूब मधुर हो जाएगी। सवाल नंबर तीन, करेला खाने से कौन 6 बीमारी नष्ट हो जाती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है करेला खाने से शुगर और कैंसर, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा जैसे भयंकर बीमारी नष्ट हो जाती है, इसीलिए करेला खूब खाना चाहिए दोस्तों सीजन में। सवाल नंबर चार, लीवर और आंतों में कचरा क्यों जम जाता है और कचरा फंस जाता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है दही नहीं खाने के कारण जो है वो कचरा लीवर में फंस जाता है और आंतों में बहुत मैल बैठ जाती है, इसीलिए दही खाने से पूरा बिल्कुल साफ और सुंदर हो जाता है आंतें। सवाल नंबर पाँच, पेशाब रोग क्यों लग जाता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ककड़ी नहीं खाने से पेशाब की बीमारी जो है वो लग जाती है, इसीलिए ककड़ी जो है जब भी सीजन आए ककड़ी का तो ककड़ी जरूर खाना चाहिए सीजन में। सवाल नंबर छः, आँखों में मोतियाबिंद क्यों हो जाता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है शरीफा नहीं खाने के कारण आँखों में जो है वो मोतियाबिंद की बीमारी पकड़ लेता है, तो बहुत ढेर सारे पैसा जो है वो लगता है, तब भी ठीक नहीं होती है दोस्तों। सवाल नंबर सात, नहाने के कितना देर बाद खाना खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है आधा से 1 घंटा बाद खाना खाना चाहिए, लीवर सही रहता है और खाना भी अच्छा से पचता है, नहीं तो बीमारी पेट में उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। सवाल नंबर आठ, पेट खराब बार बार क्यों रहता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है पेट खराब रहने का कारण है कांचा और खराब भोजन के चलते पेट खराब बार बार रहता है, इसीलिए खाना जो है अच्छा से अच्छा पका करके खाना चाहिए। औरत लोग जो है अच्छा नहीं बनाती है इसीलिए, और तेल मसाला नहीं डाल करके बनाती है इसीलिए पेट खराब रहता है। सवाल नंबर नौ, बच्चे को हाइट बढ़ाने के लिए क्या खिलाना चाहिए बच्चे लोगों को? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसका सही आंसर है बच्चे लोगों को हाइट बढ़ाना है तो ठंडा के मौसम में एक छुहरा और दूध खिलाना चाहिए, इससे बच्चे लोगों की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी और सुंदर बच्चा बन जाएगा। सवाल नंबर 10, सही खाना कब बनता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है आँच तेज नहीं रहता है तब अच्छा खाना बनता है, नहीं तो तेज आंच पर खाना अच्छा नहीं बनता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।